नमस्ते, सुप्रभातम। आज मैं आदर्श घर के बारे में जानकारी दूंगी, जो आप ध्यान से ध्यान सुने और बच्चों से भी करवाएं। तो सबसे पहले अपन दीप मंत्र करते हैं, घर पे पूजा अर्चना करते हैं तो अपन दीपक जलाते हैं। दीपक जलवाते हैं तो बच्चे तो दीपक जला नहीं सकते, बच्चों को हाथ जोड़ के खड़ा करना चाहिए और दीप मंत्र बुलवाना चाहिए और बच्चों से पुष्प चढ़वाना चाहिए। बच्चे आसानी से पुष्प चढ़ा सकते हैं तो बच्चों से पुष्प चढ़वाने चाहिए बच्चों से। फिर बाद में बच्चों को बताना चाहिए तुलसी जी में पानी दें। तुलसी का पौधा जो है नए घर में तो रखना चाहिए, तुलसी का पौधा और पानी देना चाहिए और पेड़ पौधों में भी पानी देना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए पेड़ पौधों में भी पानी देना चाहिए ताकि पर्यावरण से उनका लगाव रहे। और फिर अपन क्या करते हैं, जितने भी घर में बड़े होते हैं बच्चों को सबको कहना चाहिए जाओ प्रणाम करके आओ, दादा दादी है, माता पिता है, भाई बहन है, जो उनसे बड़े हो सबको प्रणाम करवाना चाहिए। और जब अपन भोजन करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले हाथ धोने का आग्रह करना चाहिए। हाथ धोए और फिर आसन लगाए। आसन लगाने के बाद आसन पे बैठे और भोजन करने से पहले उन्हें कहे कि भाई हाथ जोड़ो और भोजन मंत्र बोलो। बार बार बच्चों को आग्रह करेंगे तो भोजन मंत्र जरूर बोलेंगे बच्चे। और हो सकता है तो गोबरास निकालने का भी उसके अभ्यास करवाना चाहिए कि बच्चों कहना चाहिए थोड़ी रोटी गाय के लिए निकालो, तो बच्चे को ये आज से ही आदत हो जाए ताकि बच्चों से ये काम करवाना चाहिए। जो भी अपने घर में जितने भी बड़े हैं छोटे हैं तो उनके हिसाब से बच्चे कैसे रहते हैं। छोटों के साथ जब बच्चा खेलता है तो उनको बताना चाहिए प्रेम पूरे खेले, मैदान में खेल के मैदान में जाए चाहे घर में खेले कहीं भी खेले, बच्चों को कहना चाहिए हिल मिल के रहो और प्रेम से खेलो। और अपने घर में भी ऐसे चित्र लगाने चाहिए जिससे बच्चों को थोड़ा उनको उनकी जीवनी के बारे में बताना चाहिए और महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। जैसे अभी ध्रुव का चित्र लगा हुआ है हमारे पास, पेनाथ का चित्र लगा सकते हैं, पेनाथ का चित्र लगा हुआ है और शिवाजी का चित्र है, तो अपने घर में अलग अलग महापुरुषों के चित्र लगाना चाहिए और उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी देनी चाहिए। तो सभी अभिभावकों से आग्रह है कि बच्चों को ये सब जानकारी दें और धन्यवाद।